चंदू उपाध्याय जी। तौर पर राजीव जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि 2024 के चुनाव की घोषणा होने से पहले ही जो है वो तमाम चीज़ें सामने आती आ रही हैं तरीके से खुल करके, कि क्या क्या गेम होंगे, क्या क्या जो है गठबंधन होंगे, किस तरीके से मोर्चे बनेंगे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद होगी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई जाएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। हालांकि आज केजरीवाल जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि जो है वो हम लड़ते रहते हैं आपस में और इसलिए नहीं होता, लेकिन एक बात ये है कि आज केजरीवाल जी को इस बात की बधाई देनी पड़ेगी कि आज उन्होंने केरल के स्कूलों के सामने दिल्ली के स्कूलों की बात नहीं की, क्योंकि वो जब 10वीं में पढ़ते थे वो तब से सुन रहे हैं कि केरल में स्कूल बहुत अच्छे हैं, वरना तो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है वो चर्चा जो है वो दिल्ली के स्कूलों की हो रही थी अभी तक। तो केरल के स्कूलों की चर्चा केजरीवाल जी कर रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा संकेत है। दूसरा, पिनरई विजयन अगर पहुंच रहे हैं केसीआर की पार्टी में तो मुझे लगता है कि ये संकेत देने की एक कोशिश है कि भैया राहुल गांधी का 20 दिन गुजारोगे केरल में तो हम भी पहुंचेंगे तेलंगाना में। तो ये जो है वो देने की जो है वो एक कोशिश है। अब डी राजा भी वहां गए हुए हैं, डी राजा पिछले 30 सालों से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को चला रहे हैं पर्दे के पीछे से, अब तो ऊपर की पर्दे के सामने आकर भी चला रहे हैं, तो कहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहुंच गई है ये भी देखने की स्थिति होगी कि वो गए हैं। वो एक समय होता था राजीव जी, जब कोई तीसरा मोर्चा बनता था तो उसकी धुरी कम्युनिस्ट पार्टियां हुआ करती थी। आज कम्युनिस्ट पार्टियां इस हालत में पहुंच गई हैं कि वो तीसरे मोर्चे बनने की शुरुआत होती है तो उसके पासंगा बनने की जो है कोशिश करने पहुंच जाते हैं। तो ये स्थितियां आ रही है, मतलब आप त्रिपुरा में जो है वो समझौता करेंगे कांग्रेस के साथ और तेलंगाना में आप जाएंगे केसीआर के साथ। तो ये मुझे लगता है कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर की चीजें वो भी काफी कुछ खुलकर के आ रही हैं। इधर हमारे अखिलेश बाबू जो हैं वो ट्विटर से निकल करके हैदराबाद पहुंच गए, इस बात की भी जो है वो खुशखबरी है, मतलब बहुत अच्छी है, अच्छी बात है कि वो आजमगढ़ नहीं पहुंच पाए थे उपचुनाव में, लेकिन केसीआर के साथ जो रैली में पहुंच गए हैं तो ये बधाई तो बनती है और अच्छी बात है कि अखिलेश यादव जी अब घर से निकले हैं। तो कुल मिलाकर कि ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं तो इसके लिए राहुल गांधी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं और इसके दोषी जो है निश्चित तौर पर राहुल गांधी हैं। मोदी जी दोष दिया करते हैं हर चीज़ के लिए नेहरू के लिए, मुझे लगता है कि अब जो हमारा विपक्ष है वो हर चीज़ के लिए अब दोष देगा राहुल गांधी को, इसकी जिम्मेदार राहुल गांधी हैं। ममता बनर्जी मेघालय में पहुंच गई हैं और वहां ना काम कर रही हैं, जिस काम के लिए वो गोवा गई थी उसी काम के लिए वहां गई हैं, तो उनको भी अपना काम करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि केसीआर और ममता दोनों जो थे वो काफ़ी समय से तीसरा मोर्चा बनाना चाहते थे जी और प्रयास भी कर रहे थे, तो लेकिन सवाल ये है कि केसीआर ने ममता बनर्जी को बुलाया कि नहीं बुलाया, अब ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं पहुंची, इतना तो सामने दिखाई पड़ता है। क्यों नहीं पहुंची ये तो वो बताएंगी। नीतीश कुमार से सबसे पहले मिलने के लिए पहुंचे थे और नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया, नीतीश कुमार भी नहीं गए, तो अब ये कैसा तीसरा मोर्चा है। देखिए मैं फिर कहूंगा और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आज देश जिस मोड़ पे खड़ा हुआ है यहाँ कोई तीसरा चौथा मोर्चा बनने की बात नहीं हो सकती, और पूर्व में भी जितने भी तीसरे मोर्चे बने हैं वो या तो भाजपा की बैसाखी पे चले हैं या कांग्रेस की बैसाखी पे चले हैं, स्वतंत्र रूप से कोई तीसरा मोर्चा 70 सालों के इतिहास में भारत में नहीं रहा। तो आज जो परिस्थितियां हैं उसमें सीधी सीधी लाइन खींचनी होगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं, सीधी सीधी सी एक बात करनी होगी। लेकिन ये भी सही है राजीव जी कि तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को एक बार के लिए स्वीकार कर सकते हैं लेकिन कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर सकते, उसका कारण बहुत बड़ा है। उसका कारण ये है कि उन्होंने जमीन छीनी है बहुत सी, तो कांग्रेस से छीनी है, तो उस जमीन अगर कांग्रेस आगे बढ़ती है तो उनकी जमीन कम होती है, तो ये भी उनके सामने समस्याएं हैं। अब अखिलेश यादव का अगर मान लीजिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बढ़ती है तो किसका रास्ता सबसे पहले लेगी जी? जाहिर सी बात है अखिलेश यादव का रास्ता सबसे पहले वो उस पर जमीन अपनी वापस लेना चाहेगी, तो अखिलेश यादव फिर क्या करेंगे? तो ये अपनी मजबूरियां भी हैं एक तरीके से, लेकिन सवाल यही है जो मैं पहले भी कह रहा था कि आपकी मजबूरियां जो हैं वो अपनी जगह हो सकती हैं। गठबंधन जो है बहुत सी मजबूरियों के साथ बना करते हैं और बहुत से हित जो है वो देखने होते हैं। सवाल ये है कि 2024 के चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में लौट करके आती है,
वो चाहे किसी के बल पे आए या अकेले आए, किसी भी तरीके से आए, तब ये जो क्षेत्रीय दल जो आज अपनी जमीन खोने का खतरा देख आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन इनकी फिर बचेगी कहीं, मतलब भारतीय जनता पार्टी फिर इनको छोड़ेगी ये जमीन पर कहीं दिख पाए। तो मुझे लगता है कि इनको ये सोचना चाहिए पहले कि इस देश के अंदर जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें इनके सामने जो है चीजें स्पष्ट रहें, और ये तीसरा चौथा मोर्चा जो है आज के समय में बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। और अगर ये कोई तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चा बनता भी है तो वह पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी की मदद ही करेगा, उसका विरोधी किसी हाल में नहीं हो सकता। जी जी आना चाहता हूँ जयशंकर जी आपके पास फटाफट।